उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगले महीने होने वाले निकाय चुनाव से पहले आम आदमी ने योगी सरकार पर भरोसा तो जताया है, लेकिन इस चुनाव में अधिकारियों का करप्शन का मुद्दा हावी होने की बात भी कही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एनबीटी की टीम ने आम लोगों से सरकार के कामकाज और निकाय चुनाव के मुद्दों पर बातचीत की तो लोगों ने योगी सरकार के कामकाज पर तो खुशी जताई, लेकिन ये भी कहा कि अधिकारी करप्शन कर रहे हैं। आम लोगों ने यह भी कहा कि 2 किलोमीटर की सड़क बनाई जाती है तो 1 किलोमीटर की सड़क उखड़ जाती है। ये सब अधिकारियों के कारनामे हैं और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सुनिए लखनऊ में निकाय चुनाव के मुद्दों पर तमाम आम लोगों ने एनबीटी की टीम से क्या बातचीत की। व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। हम समस्या कहाँ पर आ रही है? समस्या बस यही एक चीज है, अधिकारी नहीं सुन रहे। अधिकारी किसी की नहीं सुनते हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं, योगी बाबा की भी नहीं सुन रहे हैं, किसी की नहीं। अगर उनका सुनना होता, ये वहाँ से घर से आए हैं और ये कह के आए हैं कि हम जा रहे हैं मुख्यमंत्री के यहाँ अप्लीकेशन देने, अगर उनको सुनना होता डीएम को तो अपनी आख्या लगा देते कि नहीं लगाते। मतलब अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे, सरकार अच्छे कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। ये बता रहे हैं सीएम के यहाँ भी शिकायत करने गए लेकिन हुआ नहीं कुछ। अब अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं लेकिन सुल्तानपुर जिले में एक दोस्तपुर से कादीपुर की रोड है, हमारी उम्र करीब 42 साल होगी लेकिन हम 17-18 साल की उम्र से देखते हैं कि वो रोड जब बनती है तो इस 17 किलोमीटर बन नहीं पाती बल्कि 15 किलोमीटर उससे पहले टूट जाती है। क्यों है? माल नहीं पड़ता सही, इधर बनती है 2 किलोमीटर बनती, 1 किलोमीटर उखड़ जाती है। उस रोड का नाम है दोस्तपुर से कादीपुर रोड। सर हमारे यहाँ खंडनगर ब्लॉक में 22 साल को देख रहे हैं, कर्मचारी हैं, बोलते हैं खुलेआम आप शिकायत कहीं भी कर लो कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि सब पैसा लेते हैं और पैसे के बदले सब काम होता है, इसलिए आप कहीं भी जाओ दौड़ो कोई मतलब नहीं। बात जहाँ तक रही है जो गरीबों के कार्य कल्याणी योजनाओं जैसे आवास या शौचालय है इनमें ब्लॉक स्तर पे धांधला गर्दी हो रही है तो इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए कि देश की जनता हमारी घर प्रधानमंत्री की इंतजार कर रही है और हर तरीके से मतलब जो है योगी जी ने सहयोग करने का काम किया है। तो हमारा मानना है कि जो अधिकारी धांधला गर्दी कर रहे हैं, अधिकारी स्वयं तुम्हारे शासन को चलाना चाह रहे हैं, उसको संज्ञान लीजिए और सगरा दिमाग लगा के जो है जनता को जो है न्याय मिलना चाहिए। अधिकारी खुद स्वयं शासन चला रहे हैं, योगी जी तो ईमानदार हैं, वफादार हैं, जनता उनको देश के प्रधानमंत्री को तो देखना चाहती। बाकी हमारा आग्रह उनसे ये है कि जो इलाकों में भ्रष्टाचार हो रहा, जो तहसील में भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर जो है योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। यही मायावती जी का शासन था जिसमें जो अधिकारी उनके सैंडल साफ कर रहे थे और आज जो अधिकारी योगी जी बार बार जो है अच्छा काम करने के लिए सोच रहे और अच्छी काम करने की सोच है और देश उनको अगर प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहिए तो सीधे सीधे योगी जी को अपनी जो गुस्सा है वो अफसरों पे उतारना चाहिए। जो आप बात बता रहे हैं कि अधिकारी सही से